भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रविवार को गोलघर स्थित एक निजी होटल में आहूत की गई। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार और संगठन के संबंध में चर्चा की गई और साथ ही विभिन्न जिलों के आए हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से पार्टी को एक बार फिर से मजबूत बनाने के लिए नई रणनीति के तहत अपील की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिन नाइक, NSUI प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुमित कुमार पांडे, नावेद खान रूप से मौजूद रहे। सम्मान करें भाई ऋषि यादव जी, प्रदेश महासचिव पूर्वी उत्तर प्रदेश, हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र मोहन गुड्डू तिवारी, हमारे श्री महेंद्र मोहन गुड्डू, प्रदेश उपाध्यक्ष, सभी महानुभाव सादर प्रणाम। मेरा मैं विवेक राय, कलावत विश्वविद्यालय, BA LLB, प्रदेश सचिव, जिला आगरपुर, जिला उपाध्यक्ष। अरे ये भी आप सबके लिए दूसरे के लिए। सर मैं अनुराग सिंह, जिला मऊ, जिला NSUI, जिला अध्यक्ष मऊ, जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर, शिक्षा प्रशासन, जिला सत्येंद्र पांडे, जिला सचिव कांग्रेस कमेटी संतोष। सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं सौरभ से बात, प्रदेश महासचिव एलएमपी से। श्री राम अंकित पांडे, जिला उपाध्यक्ष कुमार। मैं विवेक शर्मा, गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र नेता। 2016 में मैं चुनाव लड़ा और यहाँ पे द्वितीय पद को प्राप्त किया अपने झारखंड चुनाव में 1200 वोटों के साथ। अब मैं सीधे आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो भी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश जोन जितने भी हमारे अधिकारी हैं, आपकी जो समस्या है, जो आपका जो सुझाव, आप अपना अपने स्थान पर खड़े होकर के आप अपने अतिथियों के सामने, आप अपने वरिष्ठजनों के सामने अपनी समस्या, अपना सुझाव बताएं। ये मंथन कार्यक्रम आप लोगों की समस्याएं और आप लोगों का जो सुझाव होगा यहाँ पे उस पर चर्चा की जाएगी। एक पर्यावरण पे और जो RTI में वर्तमान की केंद्र सरकार ने RTI में जिस तरीके से सेनमारी कर रही, संशोधन कर रही है, उस विषय में देखिएगा। इस बैठक को रखने के पीछे एक मुख्य मकसद था। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए, उसमें हम लोगों की पार्टी की क्या स्थिति रही, देश के मौजूदा हालात क्या हैं, और जिस तरीके की हिटलर शाही इस देश में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके की लड़ाई, यहाँ लोग विजय बैठे हुए हैं, अनुराग बैठे हुए हैं, पिछले 1.5-2 महीने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ उपाध्यक्ष हम लगभग 13 साल बाद जीते, उसके खिलाफ जो एक माहौल बना के उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उस पर प्रियंका जी ने भी ट्वीट किया, हम लोग भी लगातार ये सब लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से बैठक को रखने के पीछे का आयोजन यह है कि आने वाले समय में लगभग 1-1.5 महीने के अंदर सभी विश्वविद्यालय जहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, वहाँ छात्र संघ चुनाव होने हैं। दूसरा, आप लोगों का हमेशा ये रहता है कि भैया ऊपर से आपने दे दिया फॉलो अप प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष ने इंचार्ज को उसके जिले का, उस जिले के इंचार्ज ने जिलाध्यक्ष को दे दिया और जिलाध्यक्ष ने नीचे वाली कमेटी को दे दिया, है ना। तो इस रीत को थोड़ा कमजोर करने के लिए हम लोगों ने अब, क्योंकि आप लोग को जो प्रोग्राम ऊपर से देते हैं तो आप लोग बोलते हैं भैया ये प्रोग्राम यहाँ होता ही नहीं है, दिल्ली वाला प्रोग्राम है या होगा ही नहीं, तो अब एक काम करिए, अब प्रोग्राम आप ही लोग डिसाइड करिए और 1 महीने का टाइम दीजिए। भी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, स्टेट में भी ऐसे ही कर रहे हैं और जिले के भी कार्यक्रम पूरे पूर्वी जोन का आप लोग बैठ के बनाइए। लेकिन अगर जिस आदमी ने कार्यक्रम आप लोगों ने एक बार बैठ के डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद कोई इफ एंड बट उस कार्यक्रम के लिए नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं आज के समय। एक तो केवल इसलिए आप लोग सियासत में नहीं है कि संगठन को आपकी ज़रूरत है, संगठन को आपकी ज़रूरत है, ये नेचुरल बात है। संगठन से ज़्यादा समाज को और देश को भी हम सबकी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस माहौल का सबसे कम अगर असर किसी पे पड़ता है तो वो छात्र पे पड़ता है।
छात्र कभी धर्म जात के नाम पर इतनी आसानी से नहीं बढ़ते। तो ये हमारी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजनीति के साथ साथ हमें उस समाज के ताने बाने को भी बचाना है। दूसरा तो मेरा, मैंने नेशनल में भी ये दिया था, बहुत जल्दी एक अमन कार्यक्रम डिज़ाइन करना चाहते हैं पॉलिटिकल, और उस कार्यक्रम के साथ साथ एक अमन यात्रा मैं निकालना चाहता हूँ कि यहाँ से हम गोरखपुर से उस अमन यात्रा की शुरुआत करें और प्रत्येक ज़िले में जाके एक सम्मेलन हम लोग अमन यात्रा के नाम पर करवाएं। क्योंकि जब देश ही नहीं बचेगा तो सियासत का तो सवाल ही ख़त्म। और भाजपा जिस लेवल पर इस देश को लेकर जा रही है, मुझे लग नहीं रहा कि 10-15 साल बाद नफरतें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये हमारी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको निभाएं। तो एक अमन यात्रा का प्रोग्राम मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप लोगों को इसलिए भी यहाँ विशेषकर बुलाया है कि आप लोगों के ज़िले में वो कार्यक्रम जिले बर जिले होगा, मैं रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, हम लोगों के बीच में ये बहुत अरसे बाद सौभाग्य हुआ है। कभी 2013 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तब जुबेर भाई हमारे इंचार्ज हुआ करते थे, तो वो तीन चार घंटे बैठते थे हम लोगों के एग्जीक्यूटिव में। आज मैं देख रहा हूँ लगभग 4-5 साल बाद यूपी की किसी एग्जीक्यूटिव में हम लोगों के ICC सेक्रेटरी आए हैं,